हाय, डू यू नो लाइफ इज़ वेरी सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल। इसको मैं कुछ रिलेट करना चाहूँगी आपकी लाइफ के साथ में, क्योंकि हम लोग जो हैं हम कहीं ना कहीं किसी टेरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, या हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास में जाते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। आई एम श्योर हम सब लोग गए होंगे, राइट? सो क्या हमने एक्चुअली वो सब कुछ तो हमने अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने जो 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 सब कुछ बताया हमने सब कुछ किया, बट फिर भी क्या लाइफ हमारी बेटर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो मुझे लिखना ज़रूर कि नहीं हो रही है। अब जो मैं बताऊँगी वो ज़रूर करना और आप फिर मुझे रिज़ल्ट बताना। बड़ा दुख लगता है जब मैं देखती हूँ किसी के घर पर कि आर ओ लगा हुआ होता है और आर ओ का जो पानी है वो वेस्ट हो रहा होता है। जो आर ओ का यू नो वेस्ट पानी होता है वो एक्चुअली में वेस्ट हो रहा होता है, उसको सिंक में लोगों ने डाला होता है उसका पानी कि वेस्ट हो रहा है, राइट? जाने दो, इज इट राइट? क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं? हमें नहीं लगता कि हमें पानी को सेव करके अपने घर में उसको पोचे में यूज़ कर लेना चाहिए, या फ्लश में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम धोने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो आपके पास कभी भी ज़िंदगी में कैश नहीं रुकेगा। आपका जैसा पानी आपका फ़्लो हो रहा है ऐसे आपका कैश भी फ़्लो होता रहेगा। नंबर टू, क्या आप खाना खाने के बाद जब आप खाना खा लेते हो आपकी जो कटोरियाँ होती हैं उसके ऊपर सब्जी लगी रहती है बहुत सारी, या आपकी जो प्लेट है उसमें जो आपने चावल अगर खाएं तो चावल के 5-7 दाने जो है उसमें पड़े हुए हैं, लगे हुए रहते हैं? अगर हाँ लगे हुए रहते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती होगी, आपके घर में बरकत नहीं होती है। प्लीज़ मुझे बताना भी कि ये चीज़ आप कितना रिलेट कर रहे हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ बताना ज़रूर। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, बिलीव मी, आपकी 90% प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म बिल्कुल। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। क्या आपके घर में नेगेटिविटी है? आपके घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, वट एवर जिस के बीच में होने होते हैं वो सबके बीच में क्या झगड़े हो रहे हैं? मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप ज़रूर रात को लेट सोते होंगे, मोबाइल या टीवी या कुछ भी स्क्रीन आप देखकर सोते होंगे, जिसमें कि आप यू नो जो हमारे आजकल चल रहे हैं सीरियल जिसमें से हमें कोई नॉलेज नहीं मिलती है, मैं गारंटी दे के बोल सकती हूँ कि आप ज़रूर वो सब देखकर सो रहे होंगे और सुबह आप सनराइज़ के बाद उठते होंगे। सो अगर ये सब चीज़ें करेक्ट हैं और आपके साथ में कनेक्ट करती हैं सो डू राइट मी, तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है एंड मैंने काफ़ी लोगों की लाइफ इसी से बेटर करी है कि रेमेडीज इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, पहले अपना लाइफस्टाइल आप ठीक करो। सो अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे ना डियर फ्रेंड्स, सो बिलीव मी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे। डू दिस सीरियसली, सेव वाटर, राइट, एंड सेव फूड एज वेल, राइट, और अपनी लाइफ को ना इस प्रकृति के हिसाब से चलाना शुरू कर दो। आपको किसी पंडित के पास, किसी टेरो कार्ड रीडर के पास कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो ये सब चीज़ें बता के मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके। प्लीज़ डू दिस, राइट जी, एंड प्लीज़ मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना करने के बाद में। थैंक यू।